अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से दरार की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन टू इससे भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से दरार की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से दरार की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि शहीर अहमद, जो कि सजल के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप उसके आगे बढ़ गए हैं, सजल भी बहुत ज़्यादा पागल है शहीर अहमद की बातों में आके अपनी इज्जत दिखावा दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लालची है सजल। इसी वजह से शहीर अहमद के चक्करों में आ गई है, उसको बस पैसा दौलत चाहिए, इज्जत उसने गंवा दी है। सजल और शहीर अहमद एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए हैं, जबकि दूसरी तरफ इरा जैसे कि माँ बनने वाली है। इरा बहुत ज़्यादा यही समझ रही है कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे शहीर जैसे इतना अच्छा चाहने वाला मिला है, जबकि इरा पे शहीर अहमद की असरत अभी वाजिया नहीं हुई। बहुत जल्द शहीर अहमद की असरत इरा पे वाजिया हो जाएगी। इरा शहीर अहमद के बारे में सोच सोच के बहुत खुश हो रही है, क्योंकि वो माँ बन गई है, जबकि दूसरी तरफ शहीर अहमद तो सजल के साथ रंग रंगीन मना रहा है, यानी अपनी खुशियाँ इंजॉय कर रहा है, उसको शॉपिंग करवाता है, घूमता फिरता है उसके साथ। जिसके बाद सजल यही कहती है शहीर अहमद से कि आज से मैं वही करूँगी, वही खाऊँगी, वही पीऊँगी और वही पहनूंगी, जो कुछ आप कहेंगे और जो कुछ आपको पसंद होगा। ये बात सुन के, सजल के अल्फाज सुन के शहीर अहमद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सजल से यही कहता है कि इसका मतलब मैं तो फिर बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मुझे इतने अच्छा चाहने वाले इंसान मिली है। ये सुनने के बाद सजल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ शहीर अहमद जो कुछ सजल के साथ कर रहा है वो सब कुछ उसके बच्चे के साथ भी होगा, यानी इरा की अचानक से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाएगी, तो इरा बहुत ज़्यादा चीखेगी, चिल्लाएगी और रोएगी। तो वहीं पर शहीर अहमद भी आएगा, उसको हॉस्पिटल में फ़ौरन लेके चला जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल तबीयत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नाजुक सूरत हाल हो जाएगी इरा की, टोटली बेड रेस्ट कह देंगे डॉक्टर। जिसके बाद शहीर अहमद यही कहेगा इरा से कि इरा तुमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपना भी अपने बच्चे का भी, तुमने टोटली बेड रेस्ट करना है। ये बात सुन के इरा शहीर अहमद की तरफ देखने लग जाती है कि शहीर अहमद मेरी कितनी केयर कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि दूसरी तरफ शहीर अहमद सजल के साथ रिलेशनशिप में और फ्लर्टिंग कर रहा है। यानी ड्रामा से दरार नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको ड्रामा से दरार की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से दरार की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन टू इससे भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से दरार की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से दरार की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि शहीर अहमद, जो कि सजल के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप उसके आगे बढ़ गए हैं, सजल भी बहुत ज़्यादा पागल है शहीर अहमद की बातों में आके अपनी इज्जत दिखावा दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लालची है सजल। इसी वजह से शहीर अहमद के चक्करों में आ गई है, उसको बस पैसा दौलत चाहिए, इज्जत उसने गंवा दी है। सजल और शहीर अहमद एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए हैं, जबकि दूसरी तरफ इरा जैसे कि माँ बनने वाली है, इरा बहुत ज़्यादा यही समझ रही है कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे शहीर जैसे इतना अच्छा चाहने वाला मिला है, जबकि इरा पे शहीर अहमद की असरत अभी वाजिया नहीं हुई। बहुत जल्द शहीर अहमद की असरत इरा पे वाजिया हो जाएगी। इरा शहीर अहमद के बारे में सोच सोच के बहुत खुश हो रही है, क्योंकि वो माँ बन गई है, जबकि दूसरी तरफ शहीर अहमद तो सजल के साथ रंग रंगीन मना रहा है, यानी अपनी खुशियाँ इंजॉय कर रहा है, उसको शॉपिंग करवाता है, घूमता फिरता है उसके साथ। जिसके बाद सजल यही कहती है शहीर अहमद से कि आज से मैं वही करूँगी, वही खाऊँगी, वही पीऊँगी और वही पहनूंगी, जो कुछ आप कहेंगे और जो कुछ आपको पसंद होगा। ये बात सुन के, सजल के अल्फाज सुन के शहीर अहमद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सजल से यही कहता है कि इसका मतलब मैं तो फिर बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मुझे इतने अच्छा चाहने वाले इंसान मिली है। ये सुनने के बाद सजल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ शहीर अहमद जो कुछ सजल के साथ कर रहा है
वो सब कुछ उसके बच्चे के साथ भी होगा। यानी इरहा की अचानक से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाएगी, तो इरहा बहुत ज़्यादा चीखेगी, चिल्लाएगी और रोएगी। तो वहीं पर शहीर अहमद भी आएगा, उसको हॉस्पिटल में फ़ौरन ले कर चला जाएगा। यानी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल तबीयत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नाजुक सूरत हाल हो जाएगी इरहा की, टोटली बेड रेस्ट कह देंगे डॉक्टर। जिसके बाद शहीर अहमद यही कहेगा इरहा से कि इरहा तुमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपना भी अपने बच्चे का भी, तुमने टोटली बेड रेस्ट करना है। ये बात सुन के इरहा शहीर अहमद की तरफ देखने लग जाती है कि शहीर अहमद मेरे कितनी केयर कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि दूसरी तरफ शहीर अहमद सजल के साथ रिलेशनशिप में और फ्लर्टिंग कर रहा है। यानी ड्रामा से दरार नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको ड्रामा से दरार की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से दरार की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन टू इससे भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से दरार की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से दरार की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि शहीर अहमद जो कि सजल के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप उसके आगे बढ़ गए हैं, सजल भी बहुत ज़्यादा पागल है, शहीर अहमद की बातों में आके अपनी इज्जत दिखावा दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लालची है सजल, इसी वजह से शहीर अहमद के चक्करों में आ गई है। उसको बस पैसा दौलत चाहिए, इज्जत उसने गंवा दी है। सजल और शहीर अहमद एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए हैं, जबकि दूसरी तरफ इरहा जैसे कि माँ बनने वाली है। इरहा बहुत ज़्यादा यही समझ रही है कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे शहीर जैसे इतना अच्छा चाहने वाला मिला है, जबकि इरहा पे शहीर अहमद की असलियत अभी वाजिया नहीं हुई। बहुत जल्द शहीर अहमद की असलियत इरहा पे वाजिया हो जाएगी। इरहा शहीर अहमद के बारे में सोच सोच के बहुत खुश हो रही है, क्योंकि वो माँ बन गई है, जबकि दूसरी तरफ शहीर अहमद तो सजल के साथ रंग रंगन मना रहा है, यानी अपनी खुशियाँ इंजॉय कर रहा है, उसको शॉपिंग करवाता है, घूमता फिरता है उसके साथ। जिसके बाद सजल यही कहती है शहीर अहमद से कि आज से मैं वही करूँगी, वही खाऊँगी, वही पीऊँगी और वही पहनूंगी, जो कुछ आप कहेंगे और जो कुछ आपको पसंद होगा। ये बात सुन के, सजल के अल्फाज सुन के शहीर अहमद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सजल से यही कहता है कि इसका मतलब मैं तो फिर बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मुझे इतने अच्छा लचाने वाले इंसान मिली है। ये सुनने के बाद सजल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ शहीर अहमद जो कुछ सजल के साथ कर रहा है वो सब कुछ उसके बच्चे के साथ भी होगा। यानी इरहा की अचानक से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाएगी, तो इरहा बहुत ज़्यादा चीखेगी, चिल्लाएगी और रोएगी। तो वहीं पर शहीर अहमद भी आएगा, उसको हॉस्पिटल में फ़ौरन ले कर चला जाएगा। यानी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल तबीयत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नाजुक सूरत हाल हो जाएगी इरहा की, टोटली बेड रेस्ट कह देंगे डॉक्टर। जिसके बाद शहीर अहमद यही कहेगा इरहा से कि इरहा तुमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपना भी अपने बच्चे का भी, तुमने टोटली बेड रेस्ट करना है। ये बात सुन के इरहा शहीर अहमद की तरफ देखने लग जाती है कि शहीर अहमद मेरे कितनी केयर कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि दूसरी तरफ शहीर अहमद सजल के साथ रिलेशनशिप में और फ्लर्टिंग कर रहा है। यानी ड्रामा से दरार नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको ड्रामा से दरार की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से दरार की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन टू इससे भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से दरार की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से दरार की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि शहीर अहमद जो कि सजल के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप उसके आगे बढ़ गए हैं, सजल भी बहुत ज़्यादा पागल है, शहीर अहमद की बातों में आके अपनी इज्जत दिखावा दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लालची है सजल, इसी वजह से शहीर अहमद के चक्करों में आ गई है। उसको बस पैसा दौलत चाहिए, इज्जत उसने गंवा दी है। सजल और शहीर अहमद एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए हैं, जबकि दूसरी तरफ इरहा जैसे कि माँ बनने वाली है,
इरा बहुत ज़्यादा यही समझ रही कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे शहीर जैसे इतना अच्छा चाहने वाला मिला है, जबकि इरा पे शहीर अहमद की असलियत अभी वाजिया नहीं हुई। बहुत जल्द शहीर अहमद की असलियत इरा पे वाजिया हो जाएगी। इरा शहीर अहमद के बारे में सोच सोच के बहुत खुश हो रही है क्योंकि वो माँ बन गई है। जबकि दूसरी तरफ शहीर अहमद तो सचिल के साथ रंग रंगीन मना रहा है, यानी अपनी खुशियाँ इंजॉय कर रहा है, उसको शॉपिंग करवाता है, घूमता फिरता है उसके साथ। जिसके बाद सचिल यही कहती है शहीर अहमद से कि आज से मैं वही करूँगी, वही खाऊँगी, वही पीऊँगी और वही पहनूंगी, जो कुछ आप कहेंगे और जो कुछ आपको पसंद होगा। ये बात सुन के, सजल के अल्फाज सुन के शहीर अहमद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सजल से यही कहता है कि इसका मतलब मैं तो फिर बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मुझे इतने अच्छा चाहने वाले इंसान मिली है। ये सुनने के बाद सजल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ शहीर अहमद जो कुछ सजल के साथ कर रहा है वो सब कुछ उसके बच्चे के साथ भी होगा, यानी इरा की अचानक से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाएगी, तो इरा बहुत ज़्यादा चीखेगी, चिल्लाएगी और रोएगी। तो वहीं पर शहीर अहमद भी आएगा, उसको हॉस्पिटल में फ़ौरन लेके चला जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल तबीयत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नाजुक सूरत हाल हो जाएगी इरा की, टोटली बेड रेस्ट कह देंगे डॉक्टर। जिसके बाद शहीर अहमद यही कहेगा इरा से कि इरा तुमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपना भी अपने बच्चे का भी, तुमने टोटली बेड रेस्ट करना है। ये बात सुन के इरा शहीर अहमद की तरफ देखने लग जाती है कि शहीर अहमद मेरे कितनी केयर कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि दूसरी तरफ शहीर अहमद सजल के साथ रिलेशनशिप में और फ्लर्टिंग कर रहा है। यानी ड्रामा से दरार नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको ड्रामा से दरार की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।